पटना पुलिस, दीघा पुलिस, सब जगह की पुलिस यहाँ पे अभी रैपिड एक्शन फोर्स को भी बुला लिया गया है। फोर लेन ब्रिज है, दो इस साइड है, दो लेन उस साइड है, रात में और खूबसूरत लगता है, काफी बेहतरीन है ये ब्रिज, मजा आ गया चढ़ के सीरियसली। यहाँ से नज़ारे देखो, खूबसूरत नज़ारे। तो दोस्तों हम निकल चुके हैं पटना सिटी राइड पे। हमारे राइट साइड में पाटलिपुत्रा जंक्शन है थोड़ी ही दूर पे, और इसके ऊपर जो आप देख रहे हैं ना ये ब्रिज, हम इसी ब्रिज को दिखाने जा रहे हैं। ये हाल फिलहाल 2 महीना पहले ही चालू हुआ है, पटना दीघा एम्स जो है ये ब्रिज बना है, काफ़ी खूबसूरत है, रात में इसकी खूबसूरती और चार चंद लग जाती है जब इसमें लाइट वगैरह जल जाते हैं। तो अभी इस ब्रिज पे हम लोग जाएंगे और देखेंगे कितना खूबसूरत है यह ब्रिज पटना का। ठंडी ठंडी हवाओं में सुबह सुबह बाइक पे जाना, ठंडा लगता रहेगा आपको और आप इंजॉय भी करोगे और थोड़ी थोड़ी नाक में सर्दी जैसी फील आने लगेगी। अभी देखिए यहाँ से डिस्टेंस आपको दिखाता हूँ, दानापुर है 5 किलोमीटर, वो जो सामने बोर्ड दिख रहा है आपको, जेपी सेतु है 3 किलोमीटर, जेपी सेतु पे जाएंगे हम लोग, गांधी मैदान है 9 किलोमीटर, सोनपुर 14 किलोमीटर, हाजीपुर 19 किलोमीटर, और यहाँ से छपरा अगर जाना चाहते हैं तो 63 किलोमीटर। देखिए हम अभी जेपी सेतु पे जा रहे हैं और उसके राइट में है दीघा एम्स पुल। देखिए दाहिने साइड में आपको गंगा नदी दिख रही होगी और उसमें लोग जो है नाव से जा रहे हैं, काम चल रहा है, ब्रिज का भी काम चल रहा है, मैं पिलर भी देख पा रहा हूँ। और इस साइड का रोड जो है ना काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। दोस्तों हम हैं अभी पटना के गंगा घाट पे और एक दुखद खबर आपको आज बताना चाहूँगा। हमारे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के माताजी का निधन हो गया और उन्हीं की तैयारी में मेरे पीछे आप देख रहे होंगे इतनी पुलिस फोर्स जुटी हुई है, उनका दाह संस्कार इसी घाट पर होना है। तो हम जस्ट इधर से जेपी सेतु गुजर रहे थे दिखाने के लिए आप लोगों के लिए, तो रास्ते में सोचा इतनी भीड़ क्यों है तो जस्ट ऐसे ही आ गए। हमारे पीछे जो आप देख रहे होंगे ना, देखिए बालू गिरा हुआ है, यही वो जगह है, इसके पीछे वहाँ जो लाइन दिख रहा है आपको वहीं पे वो मरीन ड्राइव बनेगा जहाँ पे लोग शाम को बैठ सकते हैं, मुंबई जैसी फीलिंग आएगी आपको। तो गुजरते हुए इस जगह को दिखाना चाह रहा था आप लोगों के लिए ताकि आप देखो और कितना डेवलपमेंट हो रहा है पटना में, जो चीज़ अच्छी हो रही है उसको अच्छा कहना जायज़ है। मैं अभी हाँफ गया हूँ पैदल चढ़ चढ़ के, थोड़ी सी ढलाई ज़्यादा थी तो हाँफने लगा मैं, लेकिन ये अच्छा लग रहा है, काम कंस्ट्रक्शन का हो रहा है, मेरे पीछे आप देखिए उधर भी हो रहा है और इधर साइड बालू वगैरह गिरा दिया गया है। इसको बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, 1 साल के करीब या 2 साल भी लग सकता है, लेकिन बनने के बाद ये काफ़ी अच्छा लगेगा, यहाँ के लोगों को, बिहार के लोगों को एक बहुत बड़ी सौगात मिल जाएगी। देखिए कैसे इंतज़ाम हैं, जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं उनकी मां का देहांत होने के बाद तो बहुत सारे अधिकारी यहां पे आके जहां पे अंतिम संस्कार किया जाएगा वहां पे डेरा डाले हुए हैं ताकि किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। देखो हम लोग अभी जेपी सेतु पुल को क्रॉस करेंगे, जस्ट पहुंचने वाले हैं। ये पुल बनने से जो नॉर्थ बिहार के लोग हैं साउथ बिहार आने के लिए काफ़ी सुविधाजनक हो गया है। यहाँ पे रुकना तो संभव नहीं होगा, तो हम आपको एक व्यू अंदर जाके दिखा देते हैं कैसा दिखता है ये जेपी सेतु पुल। यहाँ पे जो स्पीड लिमिट है वो 40 किलोमीटर की है, ओवरटेक करना सख्त मना है, दो लाइन बीच में डिवाइड कर दिया गया है, उधर से आ सकते हैं आप, इधर से जा सकते हैं, रोड काफ़ी अच्छा है और ब्रिज भी काफ़ी खूबसूरत है। बाइक वाले जब जाते हैं साथ में तो कार वालों को थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए वो हॉर्न बजाते रहते हैं। जब आप गंगा नदी के ऊपर से गुजरेंगे ना तो आपको ठंडक सी महसूस होगी, अगर आप बाइक से जा रहे हैं तो आप सोच सकते हैं, कार वालों का तो फिर भी ठीक है। जब ये ब्रिज फुल फेज में चालू हुआ था ना
तो बहुत सारे वीडियो इसके आए थे। तो मुझे अभी बिहार आने का मौका मिला तो मैं सोचा मैं भी इस ब्रिज पे घूम लेता हूँ और आप लोगों को भी दिखा देता हूँ कि ये कितना खूबसूरत है यह ब्रिज। जो लोग पटना में रहते हैं उनके लिए तो आम सी बात है, वो तो अक्सर इसमें जाया आया करते रहेंगे, लेकिन जो लोग बाहर रहते हैं उनको काफ़ी कम मौका मिलता है इस ब्रिज पे जाने का। दोस्तों हम खड़े हैं अभी दीघा एम्स एलिवेटेड पथ पे, जो 2 महीना पहले बनके तैयार हुआ है। यह पटना के लोगों को और दूसरे शहर से जो आते हैं उनके लिए जाम से निपटारा मिल गया है। इस पथ से अगर आप जाएंगे तो कहीं भी रुकने की आपको ज़रूरत नहीं है, 10 मिनट में आप इस ब्रिज से उस पार चले जाएंगे, मतलब आप 8 से 10 किलोमीटर की दूरी तय कर लेंगे बिना किसी जाम के। तो चलिए एक राइड लेते हैं इस ब्रिज का, कैसा दिखता है यह ब्रिज, और आपको भी दिखाता हूँ, आप कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा दिख रहा है यह ब्रिज। सुरक्षा नियम का करो सम्मान, न होगी दुर्घटना न होंगे परेशान। देखिए इधर से जो है रेलवे का ट्रैक है, लेफ्ट साइड से रेलवे का ट्रैक आती है, पाटलिपुत्र स्टेशन पे जाती है, और अभी यह ब्रिज आपको देखने को मिलेगा, यह खूबसूरत सा ब्रिज। देखिए काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, इसको मॉडिफाई किया जा रहा है, थोड़ा और अच्छे से बनाया जा रहा है। ये है पाटलिपुत्र जंक्शन, जहाँ पे मुंबई जाने वाली सारी गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती है, पटना जंक्शन से दिल्ली जाने वाली सारी गाड़ियाँ वहाँ से गुजरती है, और राजेंद्र नगर टर्मिनल है कलकत्ता की ओर जाने वाली सारी गाड़ियाँ वहीं से निकलती है, ताकि पटना जंक्शन पर पूरा लोड ना पड़े। दोस्तों हम आधे से ज़्यादा दूरी कवर कर चुके हैं इस ब्रिज का, और इस ब्रिज पे अब तक का सफ़र शानदार रहा है हमारा। इतना खूबसूरत लग रहा है यह ब्रिज, जो आपको देख के अपने आप में एक ग्लानी महसूस होगी कि बिहार में ऐसी ब्रिज बनाई जा रही है जिससे लोगों को परेशानी, जाम से, ट्रैफिक से परेशानी नहीं होगी। आप 10 मिनट में इस तरफ से उस तरफ जा सकते हैं अगर आप 4-व्हीलर से हैं। मैं गाड़ी से था तो मुझे अभी 7 मिनट में मैं यहाँ पहुँच गया, और मुश्किल से 2 या 2.5 किलोमीटर का सफ़र और बचा हुआ है। तो यहाँ पे एक रेस्क्यू वे था, यहाँ आप रुक सकते हो, रुकने का था, हम लोग वेट कर रहे थे, रुक के आपको बीच ब्रिज से दिखाऊँ कितना खूबसूरत दिखता है यह। दोस्तों यह ब्रिज की राइड आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पे आ ही गए हो तो कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।